हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महमुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ACWorld24। तो फ्रेंड्स, आज हम आए उपकार अपार्टमेंट मयूर विहार फेस वन में। तो आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ देखिए एसी का काम करना है। तो ये हम आए हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए ए ब्लॉक में A22 में, तो ये सेकेंड फ्लोर में पड़ेगा। हम जाएंगे ऊपर। तो ये हम आ गए हैं। तो ये फ्लैट अभी बंद है, तो अभी आ रहे हैं वो चाबी लेके। तो ये देखिए एक ये लगा है एसी, ये हमने ऑन कर दिया है। तो ये हमने एसी चलाया था, इसमें देखिए चूहे ने कितना समर्पण कर रखा। हाँ, सीढ़ी यूज कर दो। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा काज है एसी हिटाची का। तो इसे हमने ऑन तो कर दिया है, लेकिन रिमोट मंगाया है हमने, इसे भी चेक कर लेंगे एक बार। तीसरा एसी ये लग रहा है, फिर ले आएगा बीच में। अब ये तीसरा एसी भी ऑन कर लेंगे प्लग लगा के। तो ये ऑन कर दिया है। इसका बहुत ध्यान रखना होता है, इसमें बंद पड़े होते हैं एसी, तो इसमें छिपकली वगैरह घुस जाती है। बंद कर देंगे, इसमें भी गैस लीकेज है। तो ये देखिए MCV में डायरेक्ट कनेक्शन है, स्टेबलाइजर नहीं है इसमें, तो इसलिए हम यहीं से वायर को ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए एसी हमने वहाँ से निकाल के, और ये इस पर रख लिया है स्टूल पे। तो इस आप लोगों को दिखाते हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें घोंसला बना रखा है, तो चूहे घुसते होंगे, उन्होंने घोंसला बना दिया। तो इसे हम पूरा टॉप कवर ओपन करके फिर इसे एसी को करेंगे रिपेयर, आप लोगों को दिखाते हैं अभी। एक प्लग पॉइंट छोटा ही। देखिए आप निकल दूंगा मैं, पूरा पूरा साफ कर दूंगा। ये आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए एसी हमारा कितना क्लीन हो गया एकदम। देखिए कितनी गंदगी निकली। तो ये एक एसी हमारा हो चुका है ओके। देखिए गाइस, इसमें 60 प्लस PSI बैक प्रेशर चल रहा है, इसमें R22 गैस है। ये गैस इसमें हमारी फुल हो चुकी है। चलिए इस एसी को बंद करके अब हम इस आउटर सेल में डालेंगे, इसे फिक्स करेंगे।
तो इस वाले को आप रिमूव करेंगे। तो ये देखिए इसकी वायर रिमूव कर ली हमने। ऐसे नहीं, हम उतार के नीचे रख लेंगे, ऐसे करेंगे रिपेयर। तो ये देखिए ये भी हमने बाहर निकाल के रख लिया। ये हमारे टाची का काजे है। चलिए इसे करते हैं रिपेयर। देखिए इसका टॉप कवर हमने ओपन कर दिया। तो ये देखिए हमें यहाँ पे ऑयल ट्रेस हुआ है, यहाँ से लीकेज हो सकती है इसमें। तो इसे हम चलिए पहले हीट करेंगे, हीट करके इसका कार्बन सारा रिमूव कर देंगे। फिर इसमें इसमें पंच लगा हुआ है, इसका पंच तोड़ के पिन वाले ऐड करेंगे। तो इसमें फिर प्रेशर डाल के फिर देखेंगे कहाँ से लीकेज है। जैसे सारे जहाँ जहाँ हमने हीट किया है पाइपों को, वो सब सारा कार्बन रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए ये कंडेंसर कॉइल में एक ये लीकेज हमें फाइंड हुई है। ये कूलिंग कॉइल के हेडर पे दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए एक ये लीकेज, दो लीकेज है। चलिए इसका प्रेशर रिमूव करके इसे ब्रीजिंग करते हैं। तो इसमें ये पिन वाल ऐड करेंगे। तो ये देखिए पिन वाल ऐड कर दिया हमने। अब इसे ठंडा करके इसमें प्रेशर फिल करेंगे। तो ये हमारी लीकेज थी, इसे हमने रिपेयर कर दिया। देखिए आप लोग ये बिल्कुल ठीक है, ओके है ये, ओके है। इसके बाद हम दूसरी लीकेज दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए ये भी हमारा अच्छे से रिपेयर हो चुका है। इसमें प्रेशर हमने डाल रखा है। तो अब इसे प्रेशर को रिमूव कर देंगे, इसकी सर्विस करेंगे, जेट सर्विस। जेट सर्विस के बाद फिर इसकी वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस फिल करेंगे। तो इस तरह एक तरफ टेपर लगा लेंगे ईट। देखिए आप लोग दिखाते हैं कितना गंदा है। चलिए करिए धुलाई। इसमें क्या करें क्या करें नहीं हम पता नहीं। इसमें कम से कम हमारा सामने हो रहे हैं। इसके बाद ऐसी वैक्यूम करना होता है, तो आप लोगों को इसके बाद वैक्यूम करना है। वैक्यूम की वीडियो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें हम एसी चला के गैस फिल करेंगे। इसमें एसी ऑन कर दिया हमने, अभी इसका कंप्रेसर नहीं चला, वही जुगाड़ करके चलाना पड़ेगा। सेंसर रगड़ के चलिए इसमें करते हैं गैस फिल। ये देखिए फ्रोस्टिंग आने लगी, इसमें आधी गैस जा चुकी है। जब गैस पूरी हो जाएगी तो ये आइस भी चली जाएगी। अभी बैक प्रेशर 15 हुआ है। देखिए अब फ्रॉस्टिंग जाने लगी इसकी आइस। पर इसमें 55 PSI बैक प्रेशर चल रहा है, जो रनिंग प्रेशर होता है हमारा गैस का। इसमें गैस पूरी हो चुकी है, एसी भी कूलिंग अच्छा कर रहा है, पूरी कॉइल मॉइस्चर बना रही है, रिटर्न भी ठीक ठाक आ रही है। वैसे एसी को कर देंगे ऑफ। ये भी फिट हो चुका है, ये
ये भी एसी हमारा ग्रिल वगैरह सब फिट हो गई, एसी फिट कर दिया। तो ये देखिए एसी हमारा ऑन भी करती है। चलिए अब करते हैं तीसरा एसी। तो ये तीसरा एसी पैनासोनिक हमने आपको दिखाया था, अब इसे नीचे उतारेंगे। तो ये उतार के हमने यहाँ ये भी स्टूल पर रख लिया, इसे भी एक बार टेस्ट करेंगे, पूरा खोलेंगे। इसे भी हम गर्म करेंगे तीसरे एसी को, हीट मारेंगे पाइपों पर, इसमें भी गैस लीकेज है। इसमें ये देखिए डिस्चार्ज की, ये जो हमारा कंडेंसर कॉयल है इसका ये एक जॉइंट ये लीकेज है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसमें मैनिफोल्ड गेज भी हमने लगा दिया, इसमें प्रेशर फिल किया था, अब इस प्रेशर को रिलीज करेंगे। फिर इसके बाद एसी में ब्रीजिंग करेंगे, ब्रीजिंग करने का टेस्टिंग करेंगे प्रेशर डाल के। तो इसकी भी करेंगे अब पास ही तीसरे एसी की, ये भी देखिए कितना गंदा हो रहा है। ये देखिए ये हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। इसका कवर करते हैं फिर। अब इसके बाद इसे भी वैक्यूम करना होगा, लेकिन हम इसमें वैक्यूम ऐड नहीं कर रहे हैं, अब इसे इसी पे चलाएंगे और इसमें गैस फिल करेंगे। तो ये भी ऑन हो चुका है। गैस आ रही है, इसमें फ्रॉस्टिंग देखिए, फ्रॉस्टिंग आती है कम गैस पे, अभी पूरी गैस नहीं हुई उसकी, फ्रॉस्टिंग आ रही है। तो ये देखिए फ्रॉस्टिंग जा चुकी है, पाइप भी हमारे अच्छा खासा मॉइस्चर बनाने लगे, ये देखिए कॉयल मॉइस्चर बना रही है। तो ये गैस हमारी पूरी हो चुकी है, दिखाते हैं आप लोगों को, हम इसे फिट करते हैं ऊपर। को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।